शादी हुआ, शादी के बाद ना अब बच्चा पैदा होने के बाद पत्नी को चाहिए तलाक। पहले ना इनको प्यार था, प्यार में ऐसा लग रहा था ना कि भाई एकदम यही है मेरे लिए, हुस्न परी जाने जहां तू ही है सुंदरी। यार ये बच्चा तुम्हें यार बहुत याद कर रहा है यार, ये दूर रखो इसको। ओहो सासू माई है, सासू नमस्ते, सासू पायला, सासू मेरे पास घूंघट नहीं है। सासू माँ आप बैठो, क्या करने आए हो सासू माँ यहाँ पे? आप दोनों के ऊपर जब मैं मानहानि का केस दर्ज करूंगी ना, और दोनों को मैं जब कोर्ट के चक्कर कटवाऊंगी तब जाके आप दोगे। कम बोल, समझ में आई? देखो और भगवान से डरो, भगवान। पता है वेद भैया, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये इंसान जो आज यहाँ पे बैठा हुआ है ये इतना बड़ा चोर इंसान है, इतना बड़ा, मतलब क्या बताऊं। स्टार्ट है कैमरा। बात करने का सही से इससे मन नहीं कर रहा है ये इंसान से। उस टाइम तो पर्दा आ गया था ना आंखों के आगे। क्या बताऊं मैं, किसका मतलब आज यहाँ पे इंसाफ करने जा रहा हूँ भाई। भाई इसी की वजह से तो भैया सारा घर खराब हो रहा। हम तो इस अपने बच्चे की भी गलती निकालते हैं। उस टाइम तो मरा जा रहा था, शादी होगी तो हम नहीं एग्री थे शादी के लिए बिल्कुल भी। प्यार में जो पागल था, पागल जो था बिल्कुल, अच्छा के बच्चे को लेके, और अब भी हम ही मरे बीच में। वही ना, माँ बाप तो दोनों तरफ मरे। क्या कुछ बोला जा रहा है मुझसे? माफ कर दो मम्मी, मैं अब ऐसी गलती कभी भी नहीं करूँगा। कभी क्या करेगा, अब तो हो गया घर खराब, अब क्या गलती तेरा भी है। मैं बहुत परेशान हूँ, वो मुझे इतना टॉर्चर कर रही है, बहुत टॉर्चर कर रही है। पहले क्यों नहीं समझ में आ रहा था चीजें? पहले कुछ नहीं पढ़ने, प्यार में धोखा, यहाँ पे क्या चल रहा है। गलती हो गई है मम्मी, अब आप ही करा दीजिए कुछ। मैं क्या कराऊँ, मेरे को तो ये भाई ने बेचारे ने मुझे सलाह दी, बोला चलो आंटी मैं मिलवाता हूँ उनसे, दोस्तों हेल्प करते हैं। मैं क्या बताऊँ आपको आज यहाँ पे। दोस्तों मेरा नाम है दानिश खान, और आज मेरे साथ यहाँ पे ये लोग जो मौजूद हैं, मैं आपको सबसे पहले मैं बता दूँ, ये लोग जो हैं यहाँ पे वेद व्यास साथ में है, इनके पड़ोसी हैं। रोहिणी सेक्टर 52 के पास ये लोग रहते हैं, और इन लोग की परेशानी क्या है मालूम है? इन लोग की परेशानी यहाँ पे बस ये है कि आज एहसास ये हो चुका है कि मेरे साथ गलत हो रहा है। मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है? क्योंकि पहले तो मजा आ रहा था, प्यार था ना पहले। हाँ मरेंगे खाते, हाँ बकुला इंसान। पहले ना इनको प्यार था, प्यार में ऐसा लग रहा था ना कि भाई एकदम यही है मेरे लिए, हुस्न परी जाने जहां तू ही है सुंदरी। आज यहाँ पे तकलीफ जब हो रहा है, जब डस मारा जा रहा है ना, जब नागिन का जब डस लग रहा है 10 लाख रुपए का। 3 साल हो गया है शादी का, और साथ में देखो बच्चा सो रहा है, इसको पहले सुला के आप आ जाओ घर पे। ऐसे जगह मत, बच्चा सो रहा है इसको सुला दो अच्छे से, गोदी में सुला लो बढ़िया से। शादी का 3 साल हो चुके हैं, और इस 3 साल में 1.5-2 साल का बच्चा है। बच्चे को तो देखती नहीं, बच्चे को बाहर की जो हवा लगी हुई है ना, हाँ बस बाहर की हवा लगी हुई है, सवेरे निकलती है शाम तक। बेचारी बूढ़ी माँ के साथ मैं आपको बता दूं कि स्टार्टिंग में इनको इनकी शादी हजम नहीं हो रही थी, क्योंकि भाई माँ बाप जो होते हैं ना, जो करते हैं अपने बच्चों के लिए सही करते हैं ना। जब तो हम दुश्मन नजर आ रहे थे भाई, जब तो दुश्मन नजर आ रहे थे, मान गई ना लड़का, मान नहीं ना। हमने तो एक बारी देखी थी, मैं कहा भाई हम नहीं करते इससे शादी, हमारे घर के लायक नहीं है, भाई तुमको हमें घर के लायक नहीं है। सारा कहानी बोलना स्टार्ट करो। मेरे ऑफिस में मैं काम करता था जहाँ पे, वो मेरे साथ थी। अच्छा, करते करते उससे बातें होने लगी, फिर उससे मोहब्बत हुई। अच्छा, मेरे साथ घूमने लगी, इधर उधर हम लोग जाने लगे। पहले अच्छा था, अच्छा काम करता था तो उसको घुमाता था। शादी हो गई, बच्चा हो गया, अब वो मुझसे परेशान कर रही है, इधर ले चलो उधर ले चलो। अब मैं इतना, मेरा बजट नहीं है। पहले माँ बाप दोनों के साथ रहता था, वो मैनेज कर लेते थे। अब अलग रहता हूँ, परेशान करते हैं घर वालों से, बहुत परेशान करती है। क्या परेशान करती है? कैसे कैसे क्या परेशान? पहले क्यों नहीं समझ में आ रहा था? पहले बस वो लड़की का भूत था, उसने पता नहीं क्या करा। सिर्फ आज बाकी है नहीं, अब भूत जादू क्या करा। अब मैं बहुत परेशान हूँ। अब मुझसे 10 लाख रुपए मांग रही है, कह रही है मैं तुमसे डिवोर्स लेना चाहती हूँ। उसको कोई और पसंद आ गया, मुझे नहीं पता क्या मसला है। क्यों तेरे से पसंद क्यों करती थी? आप पता नहीं। अब मुझे आंटी जी ये बताओ, ये इसमें क्या ऐसा आपने मतलब हीरा मोती जड़ के रखा था जो लड़की इसको पसंद की थी? पता नहीं, इसी को भूत चढ़ रहा था, इसको भूत चढ़ रहा था। उसको भी पसंद था, ये कहता था मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, उसको नहीं छोड़ पाऊंगा। अंकल को भी पसंद था या नहीं था? किसी को कोई पसंद नहीं, किसी को भी पसंद। हमारे घर से कोई लेना देना था कोई। मैं कह रही शादी में नहीं गए, हम कोर्ट मैरिज करके लिए। जब ये जॉब करता था, जो भी घर खर्च कौन चलाता था? इसके हाथ में कुछ एक्स्ट्रा भी पैसा मिलता था? भैया हमारे सारे मेरे हस्बैंड चलाते थे, ना हम इससे पैसे लेते थे ना इसको देते थे, उल्टा देते ही थी मैं तो। अब देख हमें भी चाहिए कि नहीं चाहिए। अब अंकल नहीं है तो मुझे नहीं चाहिए कि घर रोटी पानी। अंकल अब नहीं, हमें भी तो चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इसलिए भैया हम कहाँ से दें अब इसको? आज जो पैसा कमा रहा है, जब तो देते थे बतेरा पैसा देते थे, सारी इसी पे लुटा के आता था। जो पैसा देती थी इसी पे लुटा के आता था। अच्छा के खड़ा हो जाता था। अब माँ का जिगरा, वो तो माँ तो देगी अपने बच्चे को, वही ना। हमें क्या पता कहाँ लुटा के आ रहा। अब भैया अपनी घर गृहस्थी है, ये संभाले हम संभालेंगे, हम बुजुर्गी में भी हम थोड़ी संभालेंगे। अब बच्चा भी है, बच्चे पे मुझे तरस आता है पर उसकी माँ को तरस नहीं आता। कैसी माँ, मैंने तो ये नहीं समझ आई। आज पहली बार ऐसी माँ देखी जो अपने बच्चे पे तरस नहीं आता उसको। हम अपने बच्चे पे इब भी तरस आता है। चलो भाई वो उसको ब्लैकमेल कर रही, तब भी हम इसका पता चला मुझे तो भाई का। चल भाई मैं कहा हमारे बच्चे को भी उससे छुटकारा दिला दूँ, तब मैं तो आई हेल्प करने। नहीं तो मुझे तो उसकी तो मैं शक्ल देख के भी राजी नहीं। फिर वही बात आ गई, उसने तो इतने परेशान घर में कर दिए, सारा घर उसने परेशान कर रखा लड़की ने। ऐसी लड़की हमने नहीं देखी। पुलिस कंप्लेंट भी करी है मैंने। तो भाई लड़कियों का सुनेगा ना भाई। हमारी थोड़ी सी चीजें क्या है। मैं एक चीज मैं गलत नहीं कह रहा हूँ सरकार को यहाँ पे कोई चीज को मैं गलत साबित नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि भाई सच बात है। हमारे जो बहनें होती है हमारे देश की, जो बहुत सारे ऐसे बहनें हैं जिनके साथ सच में गलत होता है, जो सच में वो पीड़ित है और वो पुलिस के पास जाती है तो सच में पुलिस उनकी सहायता करती है। उसी में से एक आधा दो बहनें ऐसे निकल जाती है। मैं तो बहन भी भाई ऐसी लड़कियों को मैं जबान पे कैसे ले रहा हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। चीजें जो खुद गलत करती है और खुद जाके पुलिस कंप्लेन कर देगी और खुद पुलिस वाले उनके साइड हो जाएंगे, क्योंकि वो है लड़की है औरत। और एक और चीज मैं आपको बता दूं। जी बताइए। औरत की पहले सुनी जाती है। हाँ, बिल्कुल हर जगह औरत की सुनाई भी नहीं। पता है चीजें क्या, मैं आपको बताया ना कि चीजें कुछ ऐसा है दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे औरतें लड़कियां जो है सच में वो पीड़ित है, इसलिए प्राइमरी रखा जाता है हमारे देश में कि चलो पहले औरतों का ही सुना जाए। ये क्या पता कि भाई उसमें भी एक आधा ऐसी निकल जाती है जो गलत खुद करती है और खुद उनके जाके बोलती है कि भाई मेरे साथ गलत हुआ। तू तो कुछ बोल मत, मुंह पे ना ऐसे उंगली लगा के रख, ऐसे उंगली लगा के रख मुंह पे। बच्चे गलती कर जाते हैं उस टाइम, तो गलती कर जाते हैं जब तो माँ बाप की कोई वैल्यू नहीं होती। उस टाइम नहीं माँ बाप से पूछते। उंगली एकदम लगा के रखो। जब तो कहा हमारी जिंदगी, हमें फैसला लेने दो, जो भी लेंगे अच्छा लेंगे। फिर बाद में पता चलता ना जब जूते पड़ते हैं। अब रात दिन प्यार था तो क्या हो गया तेरे प्यार के चक्कर में? वो लड़की कहाँ गई, क्या हो गया उस लड़की को? बच्चा भी वो छोड़ के चली। हाँ ऐसे ही बोल, छोड़ के चली गई है। अब बच्चा लाएगा सवेरे, मेरे घर पटक जाएगा। अब हमें तो तरस आता है ना। तो आप तो दादी हो ना आंटी, वही तो हमें तो तरस आता है जब तो उससे। वो लड़की पता है, मैं आपको चीज बता रहा हूँ, वो लड़की क्या है ना, हमारे बिहार में यूपी में बोला जाता है छौरी। छौरी समझते हो? आज भी वो अपने आप को 17-18 साल की छौरी समझती है, जो मतलब छौरी कहते हैं जिसका जो अनमैरिड रहती है। हाँ तो ऐसे बनके बढ़िया से सुला लो। अनमैरिड लड़की आज भी अपने आप को समझती है कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मैं अनमैरिड हूँ। पता नहीं क्या चीज अपना माइंड में लेकर चलती है, बच्चे की भी नहीं सोच रही है। तो ये सीरियल चल रहा है ना, वही ना सीरियल देख के। हाँ बस वही ना। देखो आंटी आप परेशान मत हो, माइंड होता है। मैं आज इतनी बातें कर रहा हूँ, मैं आज अपना कैमरा उमरा लेकर वेद भैया यहाँ पे अगर आए हैं, सच बताऊं मैं आपके लिए यहाँ पे बैठा हूँ। थैंक यू बेटा, थैंक यू, धन्यवाद। मैंने आपके बारे में बहुत सुना था बेटा कि दुनिया की मदद कर। मेरे को जब पता चला कि अंकल नहीं है और आंटी के साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो मैं बोला कि चलो वेद भैया एक बार बुला लेते हैं, चीजें समझ में आ जाएगा। मुझे क्या पता ये मुचोरा उसी के साइड में था पहले, तो उसी की तरफ था भाई, इसने तो सोचा ही नहीं, बस अपने आज जब डस लगने लगा ना, नागिन जब डसने लगी तब जाके इसको एहसास हुआ, ओ भाई मुझे तो भाई पैसा मांग रही है, मैं कहाँ से लेकर आऊँ मेरे को पैसा, मैं कहाँ से लाके दूं, मुझे कहे माओ से पैसा दे, मैं कहाँ से दूं भाई, कहाँ से जाओ जल्दी में, क्या हेल्प लेने आ गए हो फिर? मैं बहुत मैं कोई बचाऊं चाहूंगा नहीं, मैं क्या है क्यों उंगली रख के हाँ उंगली रख के बात कर, बचा दो आप ही, क्या मैं बचा दूं भाई? मुझे कहेगा माँ चलो आप दो पैसे, मैं कहाँ से दूं भाई, मैं ना पैसे दूं ना, मैंने तेरी आज तक कमाई ली ना, मैं कहां से, मेरे पे कहां से पैसा आया? देखो चीजें आंटी जी मैं आपको बताता हूँ, सुने अपनी वाइफ को अभी जहां भी हो जैसे भी हो बोलो कि मुझे कुछ तुमसे पर्सनली बात करना है, ये मत बताना कि यहाँ पे कैमरा है तुम्हारा, अगर कहीं हो ना होता कि प्यार जग गया, सुनो ना कैमरा लगा हुआ है, सुनो ना कुछ बोलना मत, ऐसे ऐसे मार के वही में मुंह लाल कर देंगे, समझे ना? ये मत बताना कि कैमरा लगा हुआ है, ये मत बताना कि मम्मी है, ये मत बताना कि हमारे पड़ोसी वेद भैया है यहाँ पे, ठीक है? बोलना कि कुछ पैसे देना है और बोलना कि कुछ बातें करना है तुमसे, यहाँ पे बुलाओ, फिर जैसे भी होगा चीजें देखते हैं, देखते हैं मतलब देखते हैं कैसे शॉर्ट आउट होते हैं। मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ, इसका कोई भरोसा नहीं है भाई, आशिक लोगों से मैं दूर रहता हूँ 10 कोस दूर, और ऐसे आशिक जो आंख पे पट्टी बांध के रखते हैं, जो इंसान अपने माँ बाप का नहीं हुआ, आपका नहीं हुआ, आपके हस्बैंड का नहीं हुआ, वो इंसान भाई मेरा क्या होगा? आप सही कह रहे हो, क्या करूँ, हमने समझा के पागल हो गए थे पर इस बच्चे ने हमने क्या बोला, फोन करके अपनी यहाँ पे गर्लफ्रेंड, बीबी, एक्स वाइफ जो भी आप बोलना चाह रहे हो उसको बुलाओ यहाँ पे और बोलो कि सारी बातें हम यहाँ पे करेंगे अभी बैठ के, ठीक है? ना बच्चा का शर्म है, ना माँ का शर्म है, ना प्यार का शर्म है, पता नहीं शर्म सब बेच खाया है। कैसी लड़की है, ऐसी लड़की नहीं देखी हमने। फोन करके बोला और पता नहीं क्या क्या बता वेद भैया, ऐसे लोगों से सच में मतलब दिमाग झरक जाते हैं। और सुनो, एक शब्द भी अगर बोल दिया हम लोग के खिलाफ ना तो सोच लेना कभी भी परेशान नहीं होते है ना। क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ पे? यार ये बच्चा तुम्हें यार बहुत याद कर रहा है यार, ये दूर रखो इसको मुझसे, दूर रखो। तुम्हारा बच्चा नहीं है क्या? ये मेरा बच्चा नहीं है। और तुम क्या साबित करना चाहते हो कि मैं एक बच्चे की माँ लगती हूँ? तुम माँ हो नहीं क्या? लगती नहीं हूँ मैं इसकी माँ। क्या मतलब है यार ये? मैं इसकी माँ नहीं हूँ। और तुमने मुझे इतनी गर्मी में क्यों बुलाया है? यार तुम्हें पता नहीं है बच्चा तुम्हें याद कर रहा है। मुझे याद कर रहा है? हाँ यार, मुझे क्यों याद कर रहा है? किस चीज का एटीट्यूड दिखा रही हो? मेरा बच्चा नहीं है, तुम्हारा मेरा मतलब नहीं है, ठीक है ना? तुमको मैं एक बच्चे की माँ लगती हूँ क्या? क्या हो नहीं, तुम इसकी माँ नहीं हो? मैं इसकी माँ। और तुमने इतनी गर्मी में मुझे क्यों बुलाया ये बताओ। यहाँ पे क्या ऐसी लगवा दूं तुम्हारे लिए? पार्क में तुमसे बात करने के लिए बच्चा परेशान हो रहा है, तुम्हारे लिए मम्मी मम्मी कर रहा है बच्चा। मेरे से चिल्लाने की जरूरत नहीं है। और ये बताओ, तुमने 10 लाख का इंतजाम किया नहीं किया? तुम्हें पता नहीं है मेरा काम नहीं है, मैं कैसे कर पाऊंगा? तुम्हारा काम नहीं है, धाम नहीं है तो मैं क्या करूँ? मुझे पैसे चाहिए कहीं से भी चाहिए। 10 लाख रुपए मैं कैसे दे पाऊंगा? तुम्हारे साथ रहना नहीं है मुझे भी तुम्हारे साथ नहीं रहना। मैं बच्चे की वजह से तुमसे इतनी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? कोई अनाथ आश्रम में छोड़ा, उस बुढ़िया के पास छोड़ा, मैं इसको नहीं रखूंगी। और ये मेरा बच्चा नहीं है, मैं इसको बिल्कुल भी, मेरा बच्चा नहीं है, मैं नहीं मानती। मेरा बच्चा मासूम बच्चा, इस पे तुम तरस नहीं आता तुम्हें बिल्कुल भी? किस चीज का तरस आएगा मुझे? यार ये छोटा सा बच्चा अपनी मम्मी मम्मी करता है, कोई मतलब नहीं है मुझे। सिर्फ 10 लाख रुपए चाहिए। 10 लाख रुपए कहाँ से दूं मैं? कहीं से भी दो। यार ये क्या मतलब है तुम्हारा? कहीं से भी दो, मुझे क्या मतलब है? 10 लाख रुपए नहीं दे पाऊंगा। लेके आओ, चोरी करो, डकैती करो, मुझे 10 लाख। मैं तुम्हें डिवोर्स दे सकता हूँ, 10 लाख रुपए कभी नहीं दूंगा। तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा। क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे ऊपर मानहानि का केस दर्ज कर दूं? यार वो तुम कुछ भी करो, देखो परेशान मत करो। तुम ये बच्चे को भी तुम प्यार नहीं कर रही, तुम्हें पता नहीं है छोटा बच्चा तुम्हारा है। क्यों प्यार करूंगी मैं इसको? क्यों प्यार करूंगी मैं? ये किसका बच्चा है? ये मेरा बच्चा नहीं है। क्यों नहीं है? मेरा बच्चा नहीं है। मैं तुमको एक बच्चे की माँ लगती हूँ क्या? माँ हो तुम? मैं नहीं हूँ इसकी माँ। मतलब क्या है? और तुम भी मेरे पति नहीं हो, समझ में आया तुमको? 10 लाख का इंतजाम करो बस। कहाँ से करूँ 10 लाख? कहीं से भी करो, 10 लाख नहीं दे पाऊंगा मैं। क्यों नहीं दोगे? क्यों नहीं दोगे? तुम क्यों परेशान कर रही हो? तुम्हें डिवोर्स लेना है, तुम लेके जाओ, परेशान मत करो। नहीं, जब तुम्हारे पर केस दर्ज कर दूंगी तो मैं डिवोर्स के साथ पैसे देने पड़ेगा तब तुम्हें अच्छा लगेगा। तुम्हें और तुम्हारी माँ को मैं कोर्ट तक घसीट के लेके जाऊंगी, तब तुम्हें अच्छा लगेगा। देखो यार, मुझे परेशान मत करो। पूरी दुनिया में मुंह काला करवा के घूमोगे तुम और तुम्हारी माँ। मुझे छोड़ो, मैं सिर्फ तुमसे इतनी बात कर रहा हूँ अपने बच्चे की वजह से, नहीं तो तुम इस लायक नहीं हो। मुझसे बात ही क्यों कर रहे हो ये बताओ, मैं तुमसे बात करने के लिए बैठी हूँ क्या? आप मेरी तुम परेशान मत करो, बच्चे का ख्याल करो खाली, ठीक है ना? तुमसे 10 बार बोले, तुम्हारे अकल में घुसता नहीं है क्या? ये मेरा बच्चा नहीं है, समझ में नहीं आता तुमको? 10 बार बोल रही हूँ मैं, तुम एक बच्चे की माँ लगती हो क्या? तुम बात बेटा, इसको परेशान मत करो, तेज तेज मत बोलो इसके सामने। मैं ऐसे ही बोलती हूँ, ये छोटा बच्चा, ऐसे ही बोलूंगी मैं, ऐसे मत करो। और ये मेरा बच्चा नहीं है, मुझे 10 लाख रुपए चाहिए और मुझे ये नहीं चाहिए। फ्री में मैं तुम्हें छोड़ दूं? हाँ, ऐसे कैसे छोड़ दूं मैं तुम्हें? 10 लाख रुपए फ्री में छोड़ दूंगा मैं तुम्हें? फ्री में छोड़ दूं मैं 10 लाख रुपए किस चीज के दूंगा? क्यों नहीं दोगे तुम? तुमसे प्यार करने के 10 लाख रुपए दूंगा, मुझे परेशान करने के 10 लाख रुपए दूंगा, किस चीज के 10 लाख रुपए दूंगा? प्यार व्यार या भाड़? मैंने तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं, मुझे तुमसे कुछ चाहिए भी नहीं, मुझे सिर्फ 10 लाख रुपए दो और मुझसे छुटकारा पा लो। 10 लाख रुपए के लिए शादी करी थी क्या? रहना तो शौक नहीं है। कैसी लड़की हो तुम? तेरे जैसे इंसान के साथ, समझ में आया? कैसी लड़की हो? पैसों के लिए शादी करी थी मुझसे? हाँ, पैसों के लिए शादी करी थी बस। यार बड़ा परेशान लड़की है, पैसों के लिए शादी करी थी। और बच्चा किस लिए करा था? गलती से हो गया था यार, गलती हो गई मेरी, अपनी माँ को दे दिया इसको। बात सुनो, अपने बच्चे की तरफ तो देखो। ओहो, सासू माई है। सासू नमस्ते, सासू पायला हूँ, कैसे हो आप? ओहो सासू, मेरे पास घूंघट नहीं है सासू माँ। आप बैठो, क्या करने आए हो सासू माँ यहाँ पे? आप धूप हो रही है, आप परेशान हो जाओगे। सिर्फ बच्चों के देखो, अपना घर ना खराब करो, मेरी बात सुनो, लड़ाई परेशान हो जाओगे सासू माँ। घर जाके बैठो, आराम करो, जाओ, अभी आपकी उम्र यहाँ थोड़ी आने की है, घर जाके आराम से अपना आराम करो बिस्तर में। मेरी बात सुनो, बैठो प्यार से। आप मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो सासू माँ, आप घर में जाके आराम करो, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपने जाके 10 लाख रुपए का इंतजाम करो, जाओ जाओ जाओ। 10 लाख रुपए प्यार में तुम्हारे 10 लाख कहाँ से आ गए? यूँ बताओ कौन सा प्यार, कैसा प्यार? तुमने प्यार, कैसा प्यार? शादी करनी बेटे है, अब इस बच्चे पे तो रहम खाओ, उस भगवान से तो डर लो। कैसे रहम खाऊं? मैंने कभी प्यार किया ही नहीं, सही यही मेरे पीछे घूमता था आगे पीछे। ये बच्चा बेटे, ये बच्चा किस लिए ये बताओ पहले, इसका इस पे भी नहीं तरस आता आपको? कैसी माँ हो बेटे? मैं भी माँ हूँ, मुझे भी इस बच्चे पे उस टाइम देखो हम भी नाराज थे इससे, हम नहीं शादी नहीं चाहते थे, पर चलो अलग रह रहे, चलो खुश रह रहे अपने हैं। अब मैं क्या तुम्हारी बकवास सुनने के लिए आई हूँ यहाँ पे? तुम्हारी बकवास सुनने के लिए आई हूँ क्या? मम्मी से प्यार से ऐसे ही बोलती हूँ मैं, ऐसे ही मैं बोलती हूँ, वो तुमको भी पता नहीं मैं कैसे बोलती हूँ। मम्मी को ऐसे मत बोलो, मैं ऐसे ही बोलती हूँ मैं। हाथ छोड़ो मेरा, आराम से बैठ के, अगर आपको नहीं रहना इकट्ठे तो घर बैठ के प्यार से भी बात कर सकती हूँ। ये धमकियाँ देने से तो कुछ नहीं हासिल होगा ना। कौन सा घर? वो तो घर बिकने वाला है ना तुम्हारा, वो तो जल्दी बिकने वाला है, फिर तुम मुझे उसे देख के 10 लाख रुपए दोगे? बात सुनो, ये मैं तुम्हें 10 लाख में बातें करने से कुछ। कौन सी बात सुनूं मैं? आप मेरी बात सुनो, आप दोनों के ऊपर जब मैं मानहानि का केस दर्ज करूंगी ना, और दोनों को मैं जब कोर्ट के चक्कर कटवाऊंगी, तब जाके आप दोगे क्या? जब पूरी सोसाइटी में आप मुंह दिखाने के लायक नहीं बचोगे। और पुलिस वालों को भी जब सच्चाई पता चल जाएगी फिर क्या करोगी? पुलिस वाले, पुलिस वाले भी मेरी ही सुनेंगे, समझ में आया? मेरी ही सुनेंगे, वे लड़कियों की सुनते हैं, पर सच्चाई आने में इसी चीज का तुम फायदा उठा रही हो ना। मैं कोई फायदा नहीं उठा रही हूँ, फायदा तू उठा रहा है मेरा, समझा? प्यार से बात कर रही हूँ ना, तो प्यार से सुन ले, 10 लाख का इंतजाम कर ले जल्दी से। 10 लाख रुपए है, समझ में आया तेरे को? कुछ नहीं होगा, कुछ होता बेटा, बैठ के आप कभी इसके साथ। तुम दोनों को प्यार की बात समझ में नहीं आती तो चीखना तो पड़ेगा ही ना, अब क्या करूँ मैं? प्यार से बोलती हूँ समझते नहीं हो, प्यार से बोलती हूँ समझते नहीं हो। मैं प्यार से समझा रही हूँ ना आपको बेटा, अपने बच्चे का भी रहम खाओ। ये बेटा बेटा मत करो, कोई बेटा नहीं होगा तुम्हारा, समझ में आई? ठीक है, वो तो मुझे पता है कि जो पैसों पे इतनी नीयत गिर जाती है, पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है पता है? कुछ नहीं पता, नहीं पता, और मेरे को मुझे जानना भी नहीं है, मुझे जानना भी नहीं है, मुझे जानना भी नहीं है। और ये बकवास बंद करो अपनी, जो बोला है वो करो, समझ में आया? ठीक है, मुझे बख्शो, मैं नहीं तुम्हारे चक्कर में पड़ती, ठीक है? 10 लाख अगर उसकी आमदनी हो तो ले लो उससे 10 लाख। अरे 10 लाख आमदनी नहीं है, मुझे पता है तेरा कितना पैसा छोड़ के गया है, कितनी प्रॉपर्टी छोड़ के गया है। अपनी औकात में रह। तो बात सुनो, मेरे से पूछ के ना दोनों ने शादी करी थी तुमने, ठीक है? तो बीच में क्यों पड़ रही है फिर? तू बीच में क्यों पड़ रही है? बच्चा सोच के तुझे समझाने आई हूँ। मेरे को समझाने मत आ, अपने बेटों को लेके जा और 10 लाख का इंतजाम करके आ, समझ में आई? यहाँ पे तेरा भाषण सुनने नहीं आई हूँ मैं, समझ में आया तुझे? बच्चे को कौन रखेगा तेरे? तू रखेगी, अनाथ आश्रम में छोड़ दे इसको। क्यों रखूं मैं? एक तो बच्चा पैदा करवा दिया तुमने जबरदस्ती कि बच्चा पैदा नहीं करती है, बच्चा पैदा नहीं करती है। मेरा सारा फिगर तुम दोनों ने खराब करवा दिया। मेरी कोई उम्र है बच्चा पैदा करने की? तुम दोनों ने ही तो मुझे जो रोज बोलते थे आके बच्चा पैदा करो, बच्चा पैदा नहीं, बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा। 3 साल तुमने मेरा दिमाग खाया। अच्छा, ये हमने कहा नहीं, तूने शादी तूने जबरदस्ती की थी या हमने बोला था? मैंने जबरदस्ती की थी। तेरा बेटे से बात करना तू इस बारे में, तेरे बेटे ने शादी की थी मुझसे। बोलो दोनों का मैटर है तो बच्चा तो आप संभालोगी बेटा को। मैं नहीं संभालूंगी बच्चा, समझ में आई तुझे? छोड़ेगी इसको ये बताओ। मैंने बोला ना, मैंने बोला इसको रास्ते में छोड़ गया, अपने साथ लेके जा। नहीं, पैसों के पीछे पति भी छोड़ दिया, बच्चा भी छोड़ दिया, इतने गिर के बेटा ये दुनिया को कम बोल, समझ में आई? को देखो, भगवान से डरो। भगवान से क्यों नहीं डरती? कौन है तू और तूने मेरे पे हाथ कैसे उठाया? मैं कौन हूँ भैया इसको पहले बताइए, मैं कौन हूँ? इधर 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 बैठ 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 बैठ। बहुत देर से ना तू बैठी नहीं है, तेरा ना फिगर खराब हो रहा है बैठे बैठे, है ना? तू कौन है? तू क्यों आया? मैं कौन हूँ? तू करके बात मत कर। कौन हो तुम दोनों ये बता दो ना। तुम दोनों हमारे घर के मैटर में क्या कर रहे हो? कुछ बताए हो इनको, क्या है, कैसे है, क्या नहीं है, कैसे नहीं है? तू तो मुचोरा है, तू तो मुचोरा है। हा? देख ये ना तेरी लबर, तू इसका प्रेमी। हाँ, क्या क्या बातें हो रहा था प्यार मोहब्बत का, एक बार सुना हमको भी। का जी मैम जी, क्या सुन रहे हैं कि तुम लोगों का कुछ प्यार मोहब्बत खत्म हो गया है, चीजें का है? आप हो को नहीं बताओ, और आपने मेरे ऊपर हाथ कैसे उठाया? मैं बताता हूँ, ये हाथ लो, ये ऐसे ऐसे हाथ उठाते। पागल पागल है क्या? हाथ उठवा रहा है यहाँ पे मेरे पर? किसे बुलाएगा तूने मुझे यहाँ पे? मेरे को भी ना इन लोग के साथ ना चक्की पीसने के लिए भेज देना थाने में। इसने इतने ड्रामे कर रखे। क्या किया तू इन लोग के साथ? इन लोग का घर क्या किया है पहले हमको बताएगी, कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करेगी? तुम्हें समझा रहे घर की बात कर। आंटी जी बैठो, आप टेंशन मत लो, अब टेंशन मत लो। मुझे जो चाहिए ना वो मिल चुका है। देख लिया ना, प्यार की थी ना इससे, लव मैरिज शादी की थी, बच्चा पैदा हो गया। बेशरम औरत है, तेरे को लड़की बोलूं किस हक से? एक बच्चे की तू माँ है, ये बच्चा पहचानता नहीं है। इससे बड़ी शर्म की बात तेरे लिए क्या है? इससे बड़ी शर्म की बात क्या है तेरे लिए कि तू बच्चा जो तू जिसे पैदा की वो तुझे नहीं पहचान रहा है? बता 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 बता, बोल कैसी माँ है तू रे? तुम सबने मिलकर मेरे पर साजिश की है यहाँ पे, और गुंडे बुला के मुझे पिटवा रहे हो। तुम सबको मैं जेल भेजूंगी, सबको जेल भेजूंगी मैं। और जेल में जाके क्या बोलेगी कि आ गया यहाँ पे चक्की पिसिंग, यही बोलेगी ना? तो भी सच्चाई आती है सामने, फिर बड़ा बुरा हाल होता है। मुझे जो बोलना होगा वो मैं बोल दूंगी। हाँ, कुछ बोलेगी नहीं देगा ये लोग पैसा। बता आप क्यों नहीं देगा पैसा? क्यों नहीं देगा? क्यों देगा? देंगे पैसा। किस बात पे देगा, किस हक पे देगा? तू जाके थाने में क्या करेगी बोल? डिवोर्स होगा तो पैसे ही देंगे। कहाँ से देंगे? क्यों मिलेगा पैसा? फर्क नहीं पड़ता। क्यों मिलेगा पैसा डिवोर्स के बाद? घर से अपने कुछ भी नहीं भैया, खाली अपने कपड़े लेके पहना के। और कहा था तेरा 10 लाख रुपए का? बोल रहे मुंह चुप क्यों रखी? औकात है तेरा 10 लाख रुपए का? शादी करेंगे, शादी भी नहीं ना ऐसी तबीयत। तेरी जैसी बेशरम औरत जो अपना घर खराब कर दी, अपना मायके खराब कर दी, अपना बच्चे का जिंदगी खराब कर रही है। होता कौन है मुझे ऐसा बोलने वाला? मैं होता कौन है तू मुझे ऐसा बोलने वाला? मेरी औकात तू जानता कौन हूँ मैं? हाँ, तेरा औकात तो यहाँ पे आ गया। 1 नंबर का लीचर फटीचर की बेटी, लीचर फटीचरी। जो अपने बता बच्चे की नहीं हो पाई वो भाई, इसका फूफा दिखा दो। जो बच्चे की नहीं हो पाई तो दिखाओ, फिर इसकी ना लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, देखना। अभी बता 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 बता, दूर की बात बता। जो बच्चे की नहीं बोलना बोलना मुंह खोलना, हगरा मुंह से हग रही थी ना इतना देर से। आज हगना हगना, अब यहाँ पे आजा, पोटी करते हैं साथ में। अब आजा, करेगी पोटी साथ में? बोल। ओ हेलो हीरोइन, ओ मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया। तू होता कौन हमारे बीच में बोलने वाला? मैं कौन होता हूँ? अपने लगे काम करना, हमारे घर के मैटर में क्यों पड़ रहा है? ये लोग ना मेरे को ना 10,000 रुपया दिए हैं कि इससे छुटकारा दिला। अच्छा, तो तुझे खरीद के लेके आए? हाँ, तो मैं तो अपना काम ही कर रहा हूँ। गुंडा है ना तू, गुंडे। हाँ, 10,000 में हम भाई लोग 5-5 हजार रुपया बांट लिए हैं। अब बता, मुंह से हगेगी कि मैं कुछ अब बताऊं आंटी। आज के बाद अगर ये आपको परेशान कर दी, पैसा मांग दी, सुन रहे आशिक क्या हूँ बकुला हूँ, पैसे तो ये देंगे कहीं से भी। ओ कैसे देंगे पैसे बताओ, हमको भी बताना, हमको भी बताना पैसा कैसे देंगे, पैसे तुमको देने पड़ेंगे कैसे कैसे बताओ। अब तो ये असलियत पता चल गई, बता 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 कैसे देंगे पैसे, देंगे पैसे बताओ ना मेरे को, मेरे बच्चा बता 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 बस बता, नहीं बताएगी। अब मैं बताता हूँ क्या होगा। अब यहाँ पे पता है क्या होगा, पैसे यहाँ पे ये लोग देंगे नहीं मेरे पास ना, तू जो जाएगी थाने में मेरे बच्चा मेरे साथ गलत हुआ है, जो गलत पावर वाला कार्ड खेलेगी ना उसका ना तोड़ मैं रख लिया हूँ। हाँ, वो मैं खेलूंगी। हाँ खेलूंगी मैं। मैंने क्या किया मालूम है, तेरा गलत पावर को ना यहाँ पे काट दिया है। पता कैसे, कैसे? वहाँ देख तेरा, वहाँ पे देखो वो फूफा, क्या बोलते हैं भैया फूफा तेरा कैमरा लगा के वहाँ पे खड़ा है। कैमरा क्यों लगवाया यहाँ पे, कैमरा इसलिए लगाया है कि तेरे हाथ में मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू, तेरे झूठ को पकड़, समझे बेशरम औरत। कैमरा हटाओ यहाँ से, कैमरा हटाओ। कैमरा हटाऊं, तेरा तो फूफा मानने को तैयार नहीं हो रहा कैमरा हटाने के लिए। थोड़ा सा जूम मार दो इसके चेहरे पे, फूफा जी फूफी के चेहरे पे जूम मारो। अच्छा तुमने इसलिए मुझे यहाँ पैसे इसलिए बुलाया था। हाँ अब समझ में आया, अब समझ में आया ना। थोड़ी ज्यादा चला यहाँ पे जो चीजें तुम बता रही थी 10 लाख रुपया 10 लाख रुपया, अब तेरे हाथ में मिलेगा बाबा जी कटल, बाबा जी कटल, बाबा जी कटल। कैमरा बंद करो ना, होगा तेरा फूफा ना मानने को, कंप्लेंट कर ले, 100 नंबर कॉल कर ले। फूफा तो मान ही नहीं रहा है। मैं इनके ऊपर कोई भी केस नहीं करूंगी, मुझे 10 लाख रुपए नहीं चाहिए, कैमरा बंद कर। ओ फूफा जी मानोगे, मुड़ी हिला रहा है, ना 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 मानेंगे। फूफा जी क्या करे, कैमरा बंद करोगे? फूफा जी मना कर रहा है, कैमरा बंद करूं, कैमरा बंद करूं? कैमरा तो ना बंद करूंगा, कैमरा बंद करो। हाँ इसको प्यार है तेरे से, वो तेरे को घर में रखना चाहती है, सारा चीज खैसा कहानी पहले खत्म हो चुका है, अब कहानी है पैसा का। अब पैसा देगा कौन, तेरा बाप भी ना देगा यहाँ पर पैसा। समझ में आया कुछ, समझ में आया कि मारा थोपड़ा पे? मुझे सब समझ में आएगा, कैमरा बंद करो। हाँ कैमरा बंद करो, कैमरा तो बंद नहीं होगा। आंटी जी टेंशन अब नको, ठीक है नको टेंशन, समझे रहे आशिक, समझे आशिक मेरे बच्चे कुछ। ओ हेलो किंडा, इधर 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 कोर्ट में देखूंगी। हां छोड़ मेरा, क्या क्या तुम सबको ना मैं कोर्ट में देखूंगी। तो पहले ना इन लोग को तलाक दे ना इसको, हां बता तलाक दे, अब जो फैसला होगा कोर्ट में होगा। ओ जो 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 कोर्ट में ना ये फिल्म जाएगा तुम्हारा, अभी कितना 3 घंटे का फिल्म बनाई। पैसे भी देंगे और ये मैं तलाक भी लूंगी। अच्छा पैसे भी दोगे? हाँ तलाक तो मिलेगा, बिना पैसा का क्या मिलेगा, बाबा जी का ठुल्लो। चल निकाल अब, बड़ा आई हीरोइन अरे मजनू लाला तो तेरी भाग गई धमकी दे के। मैं उससे छुटकारा चाहता हूँ, छुटकारा चाहता हूँ, वो तो पैसा देगी। अब सुन मेरे को चाहिए यहाँ पे 10 नहीं 5 लाख रुपया चाहिए, तब मैं ये सबूत दिखाऊंगा पूरे कोर्ट में जाके। देगा 5 लाख रुपया? कहाँ आंटी जी हक तो बनता है मेरा भी पैसा का। हाँ ये भाई साहब आए हैं, पैसा इतना मतलब इनको भी पैसा चाहिए ना, देहात में खाते हैं पीते हैं भाई। उससे छुटकारा दिलाओ, दे देंगे। पगला इंसान आशिक, उन पे बहुत पैसा है आंटी, देने को तैयार हो जाता वो दे देता ना, ये दे देता उसको। ये तो मैं नहीं मानी, पैसे की तो कोई वो नहीं थी, पैसे उनके पास बहुत है, पैसे की टेंशन नहीं है उनको। भाई देखो यहाँ पे चीजें क्या है, शादी हुआ, शादी के बाद ना अब बच्चा पैदा होने के बाद पत्नी को चाहिए तलाक। अब मेरे पास आ चुका है सबूत, ये सबूत मैं लेके जाऊंगा थाने में। समझ में आया कुछ? अगर तलाक उलाक का बात होता है तो मेरे को बता देना, ये वीडियो क्लिप वहाँ पे जाके कोर्ट में चला देना और बताना कि मैं तलाक देना नहीं चाह रहा था और ये चीज़ टॉर्चर करके हमारे फैमिली को ख़राब करके तलाक लेना चाह रही थी, और उसके बदले धमकी दे रही थी कि तलाक भी लूँगी और पैसा भी लूँगी। तो तलाक तो मिलेगा मगर पैसा के बदले उसको क्या मिलेगा, बाबा जी का ठुल्लो। समझ में आया? ठीक है दोस्तों ये वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। जो भी चीज़ होगा भाई देखो सिंपल बात है, इस वीडियो मैं अगर डाल रहा हूँ तो आपको यही दिखाने के लिए मैं डाल रहा हूँ कि भाई देखो प्यार मोहब्बत सब एक तरफ सही है, प्यार के चक्कर में ऐसा मत बन जाओ कि कल होके तुम्हें परेशानी का सामना करना पड़े, कल होके तुम्हें कोई ऐसा आए सामने कि भाई प्यार भी करो और गाली भी खाओ, ऐसा भाई प्यार नहीं चाहिए। ठीक है वेद भैया, ऐसा प्यार व्यार अगर आप करते हैं तो मत कीजिए, ठीक है। आप लोग जाओ अब, और कुछ भी दिक्कत परेशानी होगा एक बार बता देना। हाँ, ठीक है।